हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज का ये टॉपिक विजुअल बेसिक को लेकर के खास है। खास क्यों है? क्योंकि हमने ऐड करने का फॉर्मूला खुद का तो जरूर बनाया है, क्या हम अपने नाम से भी फॉर्मूला बना सकते हैं? तो अगर आप ऐड करने का फॉर्मूला बना सकते हैं तो उस फॉर्मूले को अपने नाम से भी बना सकते हैं। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। कैसे होगा ये आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, डेवलपर टैब को एक्टिवेट रखिए और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ दिखाई पड़ेगा विजुअल बेसिक। आप अल्ट के साथ F11 भी प्रेस कर सकते हैं यहाँ जाने के लिए, और यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो ये आ गए हम विजुअल बेसिक पर, और यहाँ से इंसर्ट पे करना है क्लिक। ये जो इंसर्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर आपको करना है क्लिक, और फिर मॉड्यूल पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको लिखना है कोड, ठीक है। तो चलिए हम फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ लिखता हूं मैं फंक्शन, ठीक है। और ये फंक्शन बनाएंगे हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं mul टू नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया ये फंक्शन, ठीक है। इसकी जगह हम क्या करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। ऐसे ही हम ऐड में करते थे, तो यहां पर मैं अपना नाम लिख देता हूं। ये देखिए surage, ये लिख दिया हमने, ठीक है। और अपने नाम से फंक्शन हम क्रिएट करके देखेंगे। तो ये देखिए यहां पर आए। अब पहला वेरिएबल बना लेंगे a एज इंटीजर, ठीक है, एज इंटीजर कर देता हूं। तो ये एज इंटीजर हो गया, कॉमा देंगे बी, फिर यहाँ पे एज इंटीजर, तो यहाँ पे इंटीजर कर देंगे। इस तरीके से हमने कर दिया। अब इस ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, बाहर यहाँ पे लिखना है एज इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा एज इंटीजर। एंटर प्रेस करके नीचे आइए। यहाँ पर हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करवाना है ना। फंक्शन का नाम क्या दिया है, सूरज, तो surage, ठीक है, सूरज नाम दे दिया हमने इस मल्टीप्लाई वाले फंक्शन को। और इज इक्वल टू किया, और क्या करेंगे a इंटू b, हमने a भी लिया है ना, तो यहाँ पे a इंटू b कर देंगे, और बस आपका काम हो गया है। थोड़ा सा इसमें गैप भी क्रिएट कर देते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है, और अब क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। चलिए यहाँ आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे नाम से फंक्शन बना है कि नहीं बना है, ठीक है। यहाँ पे टाइप करते हैं एस यू आर, तो यहाँ पे देख सकते हैं सूरज के नाम से फंक्शन आ गया। और ये काम क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई का काम करेगा। तो यहाँ 4 लिखा, कॉमा 2 लिखा, तो 4 2 जा क्या होता है 8 होता है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ 8 आ चुका है, देख सकते हैं। चलिए कुछ और करते हैं, इज इक्वल टू एस यू आर ए जे, ठीक है, इस नाम से फंक्शन बनाया। और यहाँ पर क्या करेंगे, 7 कॉमा दिया, 7 7 जा 49 होता है। अब ये देखिए 49 आ गया। इसी तरीके से कोई भी मल्टीप्लाई आपको करना हो तो इजीली कर सकते हैं सूरज का फॉर्मूला लगा करके। तो देखिए मैंने अपने नाम से ही फॉर्मूला बना दिया, तो 89.9 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी। अब आप चाहते हैं कि ये वापिस से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, वापिस से जाना होगा उस विजुअल बेसिक की विंडो पर, और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं mul लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी वही काम, mul लिख देता हूँ। अब बस ये मल के नाम से चलेगा, यानी मल्टीप्लाई के नाम से चलेगा, बस हो गया ये, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जब इसको सेव करना होगा तो क्या करेंगे, चलिए mul के नाम से ही सेव करता हूँ। अब ये एक्सेल वर्कबुक है, लेकिन हमको इसको मैक्रो में सेव करना है, ठीक है। तो ये मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में मैं इसे सेव कर रहा हूं, और यहां से इस तरीके से, ठीक है, ये फाइल सेव हो गई। अब देखिए जैसे ही हम यहां जाएंगे तो यहां पर अब ये सेव हो चुकी है, ठीक है। यहां पर जैसे ही अब जाएंगे तो इज इक्वल टू एम यू एल, तो यहां पर देखिए मल नाम से फंक्शन आ रहा है। इसको 5 करिए, यहाँ 8 करिए, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा अपने आप। तो ये अब सेव हो गया। अब अगर आप इसको क्लोज भी कर देते हैं, देखिए मैं क्लोज कर रहा हूं, क्लोज कर दिया। अब इसको फिर ओपन करता हूं मैं, ठीक है। यहां पर टाइप करते हैं EXEL एक्सेल, तो एक्सेल ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। अब एक न्यू वर्कबुक हम खोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये न्यू वर्कबुक में भी काम करेगा जो फॉर्मूला हमने बनाया था, इज इक्वल टू एम यू एल। अब देखिए यहां पर हमें वो फॉर्मूला दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कहां हमें दिखाई पड़ेगा, चलिए वापिस से चल दिया, हमें दिख जाएगा वो। तो यहाँ पे देखिए mul के नाम से सेव किया था, अब ये हमें यहीं पे दिखेगा, इसी वर्कबुक के लिए हमने बनाया था, तो इस वजह से ये यहीं पे दिखेगा। तो mul करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो मल्टीप्लाई के नाम से, मल के नाम से हमने जो फॉर्मूला बनाया वो यहाँ पे दिख रहा है।
तो अगर अब हम 7 9 जा करते हैं तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करके दे देगा। तो इस तरीके से आप खुद का फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं, अपने नाम से फॉर्मूला बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके समझ में जरूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।